तो गाइस अभी आप देखिए क्या हो गया, 20 रुपया से देखिए, बस नोट देखते जाइए, गिनते जाइए आप कितना हम लोग जीत गए। सोचे थे 20 से 40 कर दे। गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फिलहाल छत पे आया था, एकदम मस्त धूप हुआ है, तो सोचा चलो हल्का थोड़ा सा छत पे घूम भी लेता हूँ। बहुत दिन से छत पे भी नहीं आया था, तो छत पे आ गया और देखिए कितनी अच्छा, अभी कड़ा एकदम मस्त धूप हुआ है। तो कुछ देर छत पे घूमता हूँ, और वो बात जो कल की वीडियो थी जो एडिट वगैरह हो गए थे कि नीचे इतना स्लो नेट चलता है कि अपलोड भी नहीं हुआ अभी तक। आज जिम बंद था, नहीं तो जिम में नेट स्पीड चलता था तो हो जाता था। तो फिलहाल अभी उसी वीडियो के लिए अपलोड कंप्लीट होने के लिए ऊपर आया हूँ, ऊपर कुछ स्पीड ठीक है नेट का, आप देखते हैं कितने देर में अपलोड होता है। तो देखिए गाइस एक कबूतर आया है अभी। उड़ गया। ये देखिए कितने मस्त से धूप हो रखी है, एकदम साफ साफ आसमान, एकदम सूर्य हमारे सर के ऊपर। और आज है छठ का पहला अर्घ, तो शाम में चलेंगे घाट पे। तो गाइस ये रहा मेरा आज का लंच, पराठा, बंदा गोभी की सब्जी और ये पपीता की चटनी। तो चलिए अब जल्दी से अपना लंच तो कर लेते हैं। आज जैसे छठ का शाम का पहला अर्घ है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं छठ घाट। तो छठ घाट जाते हैं, आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे, आपको वहाँ का व्यू दिखाएंगे, आप भी देखिए हमारे गाँव में किस प्रकार से छठ मनाया जाता है। तो उम्मीद करूंगा आप वो नज़ारे जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए आपको अभी वो छठ घाट ले चलते हैं। रात में लाइट हम अपने गांव के छठ घाट पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहां पे कितने सारे आदमी हैं, सभी इस छठ पर्व का आनंद ले रहे हैं। अपने चारों तरफ देखिए कितने सारे आदमी आए हैं, सभी दूर दूर से अपने जो कहीं भी रहते हो लेकिन इस पर्व में अपने घर जरूर आते हैं और अपने परिवार के साथ इस छठ पर्व को जरूर मनाते हैं। तो अभी आज पहला अर्घ है छठ पूजा का, तो आप देख सकते हो ये रहा हमारा सरिया हाट गांव का छठ पूजा। तो यहाँ पे सभी व्यक्ति हैं जो छठ मना रहे हैं, तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। छठ घाट आ चुके हैं, ये रहा मेरा दोस्त, आराम से आओ। तो यहाँ पे गाइस आज छठ पर्व का पहला शाम का अर्घ जो होता है वो अर्घ समाप्त हो चुका है, संपन्न हो गया। अब धीरे धीरे सूर्य भी ढल चुका है, तो सभी व्यक्ति ने सूर्य देवता की पूजा कर ली और वापस अब अपने अपने घर की ओर निकल रहे हैं। छठ घाट से अब वापस घर आ चुका हूँ, अब जाता हूँ। सब दोस्तों का प्लान है कि घूमते हैं कहीं, तो चलते हैं घूमने चलेंगे और आसपास देखते हैं क्या चीज़ है। तो चलिए, तो गाइस ये है हमारे छठ घाट का रास्ता। तो अभी मैं आपको रात का नज़ारा दिखाता हूँ कि कितने अच्छे तरीका से इन्होंने सजाया है। तो अभी हम अपने छठ घाट जा रहे हैं, उधर मतलब मेला टाइप का लगा हुआ है, तो उधर घूमेंगे भी। और आप देखिए कितना सजावट कैसा किया गया है, दिखने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मतलब और ये देखिए एकदम अंदर से बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। कल सुबह का जो अर्घ होगा उसमें तो ये और भी बेहतरीन लगेगा, जैसा कि मैंने बोला था मेला लगा है, तो ये सब आप देख सकते हो। गाइस अभी रात का व्यू दिखाते हैं घाट का।
अभी हम लोग आए थे गुपचुप खाने, हम लोग के पास 20 रुपया थे और दोस्त थे हम लोग अभी 3, एक चौथा आ रहा है, और पैसा उतना था नहीं तब किया क्या जाए। तो एक दिमाग लगाया गया रंजीत की ओर से, वहाँ पे फोर चल रहा है, आपको दिखाता हूँ, अंदर तो नहीं दिखा पाऊंगा, वहाँ से अभी उसमें लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फिलहाल तो गाइस अभी आप देखिए क्या हो गया, 20 रुपया से देखिए बस नोट देखते जाइए, गिनते जाइए आप कितना हम लोग जीत गए। सोचे थे 20 से 40 कर देगा और कितना जीते, 300 रुपया गाइस। अब 8 को 10 मिल के खाएंगे आप, बस नोट देखते जाइए 20 रुपए से कितना हो गया। आए थे हम लोग घूम फिरने, सोचे कुछ खाएंगे, लेकिन इतना लेट हो गया कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ खा भी नहीं पाए बेचारा सौरभ, कहाँ चल गया। तो देखिए गाइस यहाँ पर 2 फ्लैश जला, सौरभ क्योंकि अंधेरा में दिखेगा नहीं, इसलिए देखिए यहाँ पर दिख रहा सौरभ। तो हम लोग चार गजब बेइज्जती है, चारों आए थे लेकिन कुछ हुआ भी नहीं, अंशु भी है पीछे ढक गया है कि यहाँ है, लेकिन आए थे चारों खाने, लेकिन क्या बताए ऐसा सिचुएशन हुआ, सब दुकान बंद हो गया, लेट हो गया, अब इधर उधर भटक रहे हैं, देखते हैं फिलहाल अगर कुछ मिल जाए तो खाते हैं। फिलहाल आइसक्रीम पार्लर जा रहे हैं, वहाँ अगर कुछ हो जाए तो मजा आ जाएगा एकदम। लेते हैं अपना भी कोई एक आइसक्रीम लेते हैं और खाएंगे, देखते हैं कौन सा कौन सा आइसक्रीम खाना है। खाली ये सब अभी आइसक्रीम ले रहा है अपना अपना पसंद का, देखिए और भी बहुत अपना है जो मन वो ले सकते हैं, देख रहे हैं कौन सा लिया जाए। उसमें देखिए केक वगैरह सब है, आप आ सकते हैं, सरिया आटा है बाजार में रोड में, ये बर्फ जम चुका है, ये दूध है कि बर्फ है गाइस, कंफ्यूज। तो ये राम सभी का आइसक्रीम, ये चारों का, देखिए सौरभ ने वो व्हाइट वाला आइसक्रीम खा रहा है ताकि वो गोरा उसको होना जल्दी से का आइसक्रीम अब खाते हैं। और यहाँ सौरभ भी है, कुछ बोलो सर, मेरा आइसक्रीम 50 स्पॉन्सर यही कर रहे हैं, आइए आप भी इनका दुकान जो लेना है आराम से लीजिए, खाइए आइसक्रीम उसक्रीम सब हो गया, खाया हुआ एकदम मजे से खा लिया, लेकिन जब बिल देने के बाद है ना तो यहाँ पे दर्द होता है गाइस, यहाँ पे क्या बताए, पता नहीं कैसे 310 का बिल हो गया, किसी तक करके बिल पे किया, अब जा रहे हैं घर, आज के लिए इतना ही, कल कुछ नए मौज मस्ती के साथ मिलेंगे। देख सकते हैं एक दूध भी ले लिए तो ताकत आएगा, तक तक अब चलते हैं घर। तो गाइस आज का भी सब अभी वापस अपने घर आ चुका हूँ, सभी प्रोग्राम जितना था छठ का आज पहला अर्घ भी अच्छे तरीके से संपन्न हो गया, अभी हम लोग अपना मस्ती भी कर लिए, नाश्ता वास्ता हो गया, खाना पीना हो गया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मिलते हैं कल एक नए और मज़ेदार ब्लॉग के साथ, सो टिल देन बाय।